होता है, बाकायदा इसके मनाजिल होते हैं, यानी कि मंजिल की जमा है, मनाजिल मनाजिल होते हैं, आपको अब सीढ़ी पे सीढ़ी चलना पड़ता है, एक दस दस साल लग जाते हैं, एक आदमी को एक सीढ़ी चढ़ने में दस दस साल लगते हैं। और जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है इसके अंदर, जो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, मेरे वाले साहब कहते थे सबसे अच्छी बात यह है, ज़रा सी गलती हुई उठा के पाँच सीढ़ी नीचे फेंक देते हैं, यानी कि 30 साल की रियाजत एक झटके में चली गई, सबसे अच्छी बात यह है। क्यों? क्योंकि जहाँ आप जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। और इसी से पता चलता है कि ये अल्लाह की कुर्बत हासिल हो रही है, क्योंकि वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। जब आप कोर्ट में जाते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप किसी हाई कोर्ट में जाते हैं या पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो क्या होता है? गलती की गुंजाइश नहीं होती वहाँ पर, उसके अंदर। अब बाहर जो करना है करो, मैं कोर्ट के अंदर आप जज के सामने जो है ओबीडियंट, सूट टाई, यू हैव टू बी रिस्पेक्टेबल। जब वो बोलेगा तो मुंह खोलेगा आदमी, नहीं बोलेगा तो वो मुंह ही नहीं खोलेगा। पूरे वक्त 5 घंटे की कोर्ट है, 5 घंटे खामोश बैठा रहेगा, बोल नहीं सकता जज की इजाजत के बगैर। अच्छा, जज को बाकायदा, जज ने अगर कह दिया कि जी दिस पेन विल नॉट राइट, आप लिख नहीं सकते, आप इस पे बहस नहीं कर सकते उससे, जज की बात अटल होती है। यही अल्लाह ताला का कानून है कि उसने कह दिया कि ये चीज है तो है। और रूहानियत, जब आप राब्ते की तरफ जाते हैं, राब्ते गैब की तरफ, यही लॉ यहाँ भी इम्प्लाई होता है, जो कह दिया बस वही है, उसके अंदर तीसरी चीज कोई नहीं। लेकिन अपील तो हो सकती है, जैसे गलती होगी तो उसकी अपील नहीं, वो तो ये कि अस्तगफार पढ़ा जाता है, वो तो एक डिफरेंट, यानी कि वो तो भी गलती हो गई, वो तो एक डिफरेंट चीज हो गई। जैसे कोर्ट उस वक्त तो कुछ नहीं कह सकते, बाद में आप जो है जाके सॉरी कर लो, या ये कि उसको क्या कहते हैं चेंबर में मिलो जज को, या ये कि क्या कहते हैं कोई अस्तगफार पढ़ा जाए, या ये कि कोई माफ़ी का रास्ता तलब किया जाए, या कोई वज़ाइफ किए जाएँ कि माफ़ी हो जाए इस गलती से, अस्तगफार पढ़े जाएँ, 25,000 तरीके, बट गलती नहीं कर सकते। यानी कि मेन चीज जो है वहाँ पर बैठ के आप गलती नहीं कर सकते जिस मकाम पर आप मौजूद होते हो। ठीक है।